वर्धा में रामगिरी महाराज के आपत्तिजनक बयान के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार करने की मांग जोर पकड़ रही है। महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर आज वर्धा में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। इस धरना आंदोलन में हजारों नागरिकों ने भाग लिया। इस धरना आंदोलन में राजनीतिक नेता, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। रामगिरी महाराज के आपत्तिजनक बयान से सामाजिक माहौल प्रदूषित हो गया है और उनकी गिरफ्तारी की सर्वसम्मति से मांग की गई है। इस मौके पर सांसद अमर काळे, कांग्रेस नेता शेखर शिंदे, कांग्रेस के सचिन पावड़े, अभ्युदय बेके, एनसीपी के सुधीर कोठारी, अनेक सामाजिक कार्यकर्ता इस वक्त शामिल हुए थे। उद्देश्य यह है इसके अंदर में कि सभी धर्मों के अंदर में जो द्वेष फैलाने का जो माहौल बना रही है वो द्वेष किसी भी समाज में नहीं रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा बनी रहना चाहिए, यही हमारी कोशिश है। और जो ये पूरा भड़काने के लिए जो काम किया गया है, तो आज हमारे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सिर्फ मुस्लिम भाई लोग नहीं, हमारे बौद्ध भाई, हमारे हिंदू भाई, सभी लोग हमारे साथ में मिलकर इसको आयोजन को सफल किया है। पूरी महाविकास आघाड़ी के सभी घटक दल है, उसके बाद में 36 सामाजिक संगठन है, मार्केट के 4-5 संगठन है, व्यापारी संगठन है, उसके बाद में आरपीआई के, आरपीआई से रिलेटेड जितने भी संगठन है, बहुजन समाज से जितने भी रिलेटेड संगठन है, सभी ने हम लोगों को सहयोग दिया। हम लोगों को नबी ने यही सिखाया है कि अगर कोई पत्थर भी मारे तो हमारे को उसको फूल ही वापस करना है। तो ये हम लोगों ने जो भी आंदोलन कर रहे हैं ये समाज में तेढ़ निर्माण करने के लिए नहीं कर रहे। हम लोग पूरा शांति से इस धरने आंदोलन को चला रहे हैं। और मैं बिल्कुल मेरे पूरे मुस्लिम भाइयों की तरफ से, मुस्लिम सोशल फोरम की तरफ से कहना चाहूंगा कि यह आंदोलन आखिरी तक के शांति में ही रहेगा। समाज को मैं आह्वान यही करूंगा कि हम लोग क्या बिल्कुल शांति बनाए रखिए। हमारे नबी साहब ने जो भी हमको सिखाया है हम उसको फॉलो करें। हम लोगों के हाथ से कहीं पर भी हमारे मन में कभी दुर्भावना नहीं रही है किसी को, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ हो। इसलिए हमने बिल्कुल रोड का सब एक साइड लिया हुआ है। प्रशासन को भी हम लोग पूरा सहकार्य कर रहे हैं कि हमारी तरफ से बिल्कुल कुछ भी तकलीफ ना हो। सरकार से क्या मांग? सरकार से हमारी पूरी सबसे पहली मांग तो यह है, ये तो जो वक्तव्य दिया है इनका निषेध करता है, इनको गिरफ्तार करना चाहिए। उसके बाद में एक कथित नेता बीजेपी के, जिन्होंने वक्तव्य दिया है हमारे समाज के बारे में कि हम लोगों को मस्जिद में घुस के मारेंगे तो भी हम लोग शांति से अमन के साथ में उस सब चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और मैं मुस्लिम सोशल फोरम की जानिब से ये कहूंगा कि सरकार ने एक ऐसा सख्त कानून बनाना चाहिए, कोई भी समाज का इंसान, चाहे वो हिंदू समाज से हो, बौद्ध समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, किसी भी दूसरे धर्म के, समाज के, धर्म गुरु के ऊपर में टिप्पणी नहीं करना चाहिए। हमारी मांग ये नहीं है कि हमारे नबी के खिलाफ में बोला है इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं, ये बिल्कुल समझ लीजिए आप। अगर हमारे तरफ से भी ये गलती होती है तो हम लोग भी पुरजोर उसका समर्थन करेंगे। एनबीसी न्यूज के लिए वर्धा से रवि येनरकर की रिपोर्ट।